नमस्कार, मैं हूँ यास्मी। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने सुशांत की मौत के बाद से ही नेपोटिज्म को लेकर बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियों पर आरोप लगाए हैं, जिसके चलते उन्हें फैंस का खूब सपोर्ट मिल रहा है। वहीं अब जब से सुशांत मामले में ड्रग एंगल सामने आया है, कंगना ने अपनी जिंदगी से जुड़े कुछ किस्से बताने शुरू कर दिए। कंगना ने ट्वीट कर एक बड़ा दावा किया है। कंगना ने एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि एक समय ऐसा था कि उनकी ड्रिंक में कुछ मिलाया जाता था। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, मैं नाबालिग थी और मेरा मेंटर जिसने मुझे काफ़ी सताया, वो मेरी ड्रिंक में कुछ तो मिलाता था और फिर पुलिस के पास जाने से भी रोकता था और बड़ी बड़ी फिल्मी पार्टियां का हिस्सा बनी। तब मैं ड्रग्स की उस खतरनाक दुनिया या कह लीजिए माफिया से रूबरू हुई थी। कंगना सिर्फ यही नहीं रुकी, उन्होंने अपने दूसरे ट्वीट में ये तक दावा किया, कोकीन को फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय माना जाता है। ये लगभग हर एक हाउस पार्टीज में इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत महंगा है, लेकिन शुरुआत में जब आप हाई प्रोफाइल लोगों के घरों में जाते हैं तो इसे मुफ्त में दिया जाता है। MDMA क्रिस्टल पानी में मिलाया जाता है, इसे बिना आपकी नॉलेज के आपको दिया जाता है। कंगना ने आरोप जरूर बड़ा लगाया है, लेकिन किसी का भी नाम नहीं लिया। ऐसे में वो किस शख्स की बात कर रही है, कोई उनकी ड्रिंक में कुछ मिलाता था, ये साफ नहीं हो पा रहा है। लेकिन उन्होंने अपने ट्वीट में उन पार्टियों का भी जिक्र किया है जहां पर ड्रग्स का धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है। उन्होंने माना है कि एक जमाने में उन्हें उन पार्टियों में बुलाया जाता था। कंगना का ये ट्वीट तेजी से इस वक्त वायरल हो रहा है।